सो वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? इसके एनर्जी डाउन है, ऑफिस से बोल। अरे तो तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आप देख सकते हो, जैसे हमने कहा था कि हम ट्रेन से कहीं पे जा रहे हैं, हम अभी आपको कहाँ पे दिखाते आपको हैं दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो, हम आए हैं छतरपुर छतरपुर। एमपी में। हम कहाँ जा रहे हैं हम अभी दिखाएंगे। अभी हम रेलवे उसके लिए स्टेशन पे आए, आपको अभी हमको टाइम लगेगा पहुँचने के लिए। तो अभी लेट्स सी, अभी हम यहाँ से रिक्शा विक्शा करते हैं, हमें जहाँ डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ पे आने में ऑलमोस्ट से सिर्फ आधा 5 मिनट घंटा में आपको लगेगा। मालूम पड़ जाएगा ना। नहीं, आधा घंटा लगेगा बट आपको, हाँ, 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। हाँ, तो अभी यहाँ से पहले हम रिक्शा रिक्शा करते देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक। अभी हम लोग ई रिक्शा में बैठ चुके हैं। अमित अमित यस, ये आगे बैठा हुआ है। नहीं दिखूंगा मैं, आगे आगे बैठा हुआ है। एंड हम ई रिक्शा अभी देखते हैं कितने टाइम में पहुंचा देते हैं भैया। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना जाम लगा हुआ है। ऑलमोस्ट अभी 10 मिनट से हम यहाँ पे अटके हुए। सो अभी हम लोग ना ई रिक्शे से उतर चुके हैं। होटल ये है, देखते हैं कौन सा वाला रूम मिलता है। क्योंकि हम लोग ने पहले आते तो आंटी से बात करके आते हैं, बट इस बार तो आंटी से बात करके आए नहीं, बट आंटी ने रूम रखा होगा। पहले होटल में जाते हैं, रूम में सेटल होते हैं, देन आप लोगों से मिलते हैं। सो अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं रूम में हूँ। हम लोग होटल में आ चुके हैं। होटल दिखाते फिर आपको बताते हैं। ये बाहर का व्यू है, जो कि व्यू नहीं है, पूरा ओपन है। फिर ये रूम है। रूम में आपको 2-3 चेयर मिलेंगी। अब मैं चेयर दिखा दूँ तो ज़्यादा नहीं, 3 चेयर होगी, एक टेबल होगी, बेड होगा जिस पर आराम से आपकी फैमिली लाइक मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ बच्चे आराम से सो सकते हैं। वॉशरूम है, वॉशरूम बहुत बड़ा है, घर से भी बड़ा वॉशरूम यहाँ का है। बहुत बड़ा वॉशरूम है। आपको बता, एसी भी है। इसके लिए हम ये वाला रूम लेते हैं क्योंकि इतना दूर से ट्रेवल करके आओ, फिर एसी अगर नहीं मिलती तो फिर नींद ना पूरी नहीं हो पाती। आपको पता है ये जो होटल है, साई बालाजी होटल, सॉरी, इससे अच्छा होटल पूरे गांव में, जो गड़ा गांव है अंदर, या हाईवे पे कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए हम फर्स्ट टाइम आए थे, इधर ही हम लोगों ने स्टे किया। सेकंड टाइम भी हम लोगों ने इधर ही स्टे किया। थर्ड टाइम पे भी इधर ही स्टे करे। सो अभी ना मैं बाहर आ गई हूँ और अमित ना सो गया है, मतलब लेटा हुआ रेस्ट कर रहे हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ का कैसा क्या है। देखिए, मैं हम इधर अगर आप जाते हैं तो गड़ा गाँव में इस मंदिर के लिए इधर से हाईवे से आते हैं, फिर एक छोटा सा शॉप है, ये आंटी ने बना रखे हैं। ये है वॉशरूम लाइक के, जो आते हैं ना कि जिनको 1-2 घंटे के लिए आते हैं वो फ्रेशअप होते हैं। 20 से 40 रुपये लेते हैं आंटी उनको फ्रेशअप वगैरह होने के लिए, तो ये उनके लिए हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये जो ये वाला जो रूम है, इसमें लाइक 500 या 600 वाले जो बेड होते हैं ना, जो शेयरिंग वाले होते हैं, वो आंटी ने रखे हुए। और जो ये वाले जो रूम हैं, दिखाते हैं आपको, ये 1, 2, 3 ये हमारा है, और ये दो एसी वाले रूम हैं। आई थिंक सो ये भी एसी वाले होंगे, पता नहीं, बट ये दोनों एसी वाले रूम हैं, ये तो तीनों। दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं, थोड़ा आराम कर लिए थे क्योंकि थक गए थे, तो हम लोग अभी रिक्शा में बैठ गए। यहाँ के लोग बहुत पैसे लेते हैं, वाले। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब यहाँ पे आप लोगों को बता दें साथ में कि अगर आप लोग मुंबई से आते हैं वो बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कि आपको आना है। ऑलमोस्ट 5 मिनट की दूरी पे, और 5 मिनट की दूरी के लिए लोगों ने 1 सीट का 20 रुपए लिया। ठीक है सर, भाई सब पैसे का फो आया है। ये जो सामने आपको घर दिख रहा है, यही गुरु जी का घर है। गाइस, यहाँ से मंदिर की एंट्री होती है, मतलब एंट्री नहीं मैं कहूँगा, यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा मार्केट। कैसे हम लोग एंटर तो हो गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे जो अर्जी लगाते हैं, जैसे कि जो भी मन्नत होती है, तो उसका ना रेड कलर का नारियल रहता है, रेड, काला, रेड, ब्लैक और काला येलो भी रहता है, और वाइट। मीन्स अभी मेरे को इतना प्रॉपर मालूम नहीं है, रेड मेरे को आई थिंक सो किसी की कुछ मन्नत होती है, हाँ, अलग अलग मन्नतों का होता है। आप ये यहाँ से ले सकते हो, दिखाती हूँ आपको। जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना, ये अलग अलग कलर का रहता है। ये देखिए, यहाँ की बेस्ट चीज़ है कि आपको यहाँ का जो प्रसाद है ना
वो बहुत अच्छा अदर मंदिर में कहीं जाती तो वहाँ पे ना बहुत कुछ चेंजेस हो गया ना, कुछ बन गया ना यहाँ पे, पहले यहाँ पे नहीं था ना राइट साइड में, नहीं नहीं, और यहाँ पे इतनी सारी शॉप खुल रही है, इतनी सारी शॉप खुल रही है लेफ्ट साइड में, तो पूरा पार्किंग था बाइक का, इधर पार्किंग था। देखिए आप बहुत सारी शॉप है, और अभी आपको आगे दिखाते हैं कि क्या है। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे देखकर, नहीं समझोगे तो आपको दिखा देते हैं, फिलहाल प्रसाद लेते हैं। हाँ यार किधर गया शॉप वाला, ये प्रसाद के लिए मिठाई ले रही है, ये 400 रुपए किलो, ये भी दे दो 70। कौन सा वाला ले रहे हो? दोनों ले लूं। चाचा को समझ ही नहीं आया एक पाव 70 का, खुद ने एक पाव का अभी, और अभी पूछ रहे कितना चाहिए, एक पाव चाहिए आधा किलो चाहिए। गर्मी बहुत है, मुंबई में बारिश बहुत, इधर गर्मी बहुत ज्यादा, धूप। क्या हुआ यहाँ पे? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, और अच्छा रहते प्रसाद लेना चाहिए, थैंक यू। और अभी चल रहे, अभी अमित क्या रहते हैं, कभी काउंट नहीं करता पैसे। अरे 200 रुपए थे, 60 रुपए दिया ना रिटर्न, क्योंकि कल इसने ऑटो वाले को 500 दिया और इतने नहीं, और उसने रिटर्न इसको कम दिया, फिर बाद में पता है उसने को 100 रुपए कम दिया क्या, और 160 देकर 260 देकर आ गया कैमरे में ऑटो वाले को। एक मिनट पकड़ ना, मैं फूल लेती हूं, फूल चाहिए। क्या ले रही हो? ला दे जा आगे, अभी ये फूल खरीदेगी यहां से, क्योंकि फूल भी चढ़ाते हम लोग। तो अभी फूल कितने का है? छुट्टा दू? है है, ये लो छुट्टा है मेरे पास, है मेरे पास है। अरे 10 रुपए है ना। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। इधर से एंट्री फिर से बंद, यहाँ से एंट्री थी बड़ा, अभी एंट्री बंद कर दिया, अभी एंट्री शायद आ गया, साइड बोलो ना अमित। आंटी एक मिनट साइड, हाँ ये देखो एंट्री यहाँ से थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ से एंट्री है पूरे रेक के, यहाँ से हम पहले इधर ही फंसे हुए थे 5 घंटे तक, 5 घंटे में से क्या बोलते सी मैं निकल निकल के जा रहे थे, फिलहाल इतना तो खाली यार। अभी जो है ना यहाँ जाओ, अभी जो है ना यहाँ से हमें एक एक ऐसा रेलिंग करके आना है, क्योंकि आप देख सकते हो शायद भी, देखो वहाँ पे कितनी गर्दी है ऊपर, शायद दिखा पाओ, ये देखिए यहाँ पे लोग कुछ नारियल बांधते हुए। एक मिनट अभी हम इतने यहाँ से दिखाओ, ये है गुरुजी का पहला वाला दरबार, ये जो आपने देखा ये गुरुजी का दरबार है पहले वाला, तो यहाँ पे पहले दरबार लगाते थे बट पब्लिक, हम जैसे लोग पागल लोग ज्यादा आने लगे, इसके लिए नया दरबार लगा है, वो भी आपको दिखाते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं। ये वाला पहले आप प्रॉपर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लोग यहाँ पे साइड में चप्पल ले करते हैं, यहाँ से नारियल ऐसे बहुत सारे आपको पड़े मिलेंगे, तो ये वाले नारियल है ना यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग करते हैं। तो ये देखिए ये है दरबार, और गुरुजी इधर ही रहते हैं, गुरुजी यहाँ पे आके भभूति बांटते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी गर्दी है, ऊपर तक गर्दी है, गर्मी भी बहुत हो रही है। ये गर्दी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि सैटरडे है, यूजुअली इतनी गर्दी नहीं होती सैटरडे, एंड ट्यूजडे को ही आपको इधर मंगलवार को गर्दी मिलेगा, वरना आपको यहाँ पे।